सेक्स वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। और परमेश्वर ऊपर से क्या देखता है, देख ले बेटा देख ले, जिस दिन तेरी आयु के दिन पूरे हो गए उस दिन तुझे आग से नमकीन करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा, बहुत तड़पाएगा परमेश्वर। उसने अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाई, अरे जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो उस अनंत काल क्या को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे मेरे प्रियो, जरा सोचा है अपने? छोड़ दो गंदी लते और लौट आओ परमेश्वर के पास, छोड़ दो सेक्स वीडियो देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको एक अनंत काल का जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होता है, अमर जीवन देगा। यीशु मसीह ने कहा है, जब कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपके जीवन में कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झांक में लगे रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखते रहोगे, बनाते रहोगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उसने कीमती रक्त बहा दिया। मेरे प्रियो, कब सुधरोगे, कब सुधरोगे मेरे प्रियो, कब सुधरोगे? अभी समय है, अभी समय है, छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है। यीशु ने कहा है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु ने कहा है जो मुझसे है प्रभु कहता है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो आपका मसीह में जीवन चलना व्यर्थ है मेरे प्रियो, व्यर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, मगर पाप सेवा बहुत ही नफरत करता है। पाप सेवा हजारों किलोमीटर दूर रहता है। मैं पाप के ऊपर ज्यादा वीडियो क्यों बनाता हूँ तो सुनो, क्योंकि पाप के जरिए ही आप नरक में जाओगे, क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकते मेरे प्रियो। पाप छोड़ दो सेक्स वीडियो देखना मेरे प्रियो। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे भैया, कब तक? क्या अंत नहीं? कभी तो इन सब पापों का अंत होगा, इसलिए समय है। अभी आपके पास एक किरण है, अभी आप जिंदा हो, अभी आपके अंदर श्वास है, तो अपने जीते जी अपने पापों से मन फिरा लो और लौट आओ यीशु के पास, लौट आओगे यीशु के पास। वहाँ बहुत भयानक झील होगी जिसमें करोड़ों सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी। नर्क में जाना अच्छी बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर पसीना छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं, काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार ना आए यहाँ। बहुत हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है मेरे प्रियो। उसने अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाई, अरे हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है, इतना दर्द होता है मेरे प्रियो। उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियो, महसूस करो। उस नर्क की थोड़ी सी आवाज मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत भयानक झील होगी वहाँ पे, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है मेरे प्रियो। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ का धुआं युगानुग उठता रहता है मेरे प्रियो, उठता रहता है। अभी समय है, लौटाओ, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे उस नर्क की आग। बहुत भयानक झील होगी वहाँ की मेरे प्रियो, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। क्यों पाप करके विचार करके अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो भाई? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए और युगानुग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नर का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को कितना भी बताया जा रहा है और आप लोग मन नहीं फिरा रहे हो। वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। अगर उसके हाथ में पड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत छुड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर है। परमेश्वर साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यीशु ने साफ साफ कहा है, अगर तुम शारीरिक दशा में हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। ऐसे लोगों का बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर,